तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक ठो नए फॉल्ट के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। अल्ट्रा स्लिम का किट है, ठीक है, एक मैकेनिक ने लेके आए हैं। इसमें परेशानी है, इसमें टीवी चालू है और जो परेशानी है उसको सामने की ओर से दिखाते हैं, उसके बाद किट को छेड़छाड़ करेंगे। किट में परेशानी है कि इसके सर्विस मोड से है, तो आइए सामने की ओर देखते हैं टीवी में क्या परेशानी है। तो आप देख सकते हैं टीवी में जो परेशानी है कि लाइनिंग आ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, यही परेशानी इसमें। तो आप इसको सर्विस रिमोट से सेट करके देखते हैं होता है कि नहीं। यदि नहीं होता है तो उसके बाद किट को छेड़छाड़ करेंगे। तो अब इसके सर्विस मोड को ओपन करते हैं। जैसे मिस्त्री जी पकड़े रहेंगे कैमरा को, मोबाइल को, ले आ पकड़ा, ऐसे पकड़े रही है ना, ताकि एक सामने से दिया तो झपझी पाए। क्या गया फैक्ट्री मोड, क्या कार जी भी खुला, पोजीशन देखते हैं और बड़ा होता जा रहा है, फिर भी लाइनिंग नहीं हट पा रहा है। वर्टिकल और क्या है, वर्टिकल सेक्शन इसमें देखते हैं, वर्टिकल लाइन हाँ। तो पिक्चर के साथ जो रिट्रेस लाइन है वो सर्विस रिमोट से नहीं है, किट से ही फॉल्ट है। तो अब किट को देखते हैं इसमें और फिर फॉल्ट को फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं और बताएंगे कि क्या फॉल्ट इसमें निकला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और फिर फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, किट पूरा फाइनल हो ही चुका है और इसमें क्या परेशानी था वो आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले टीवी को दिखाते हैं सामने की ओर से, है ना। तो चलिए देखते हैं सामने की ओर और फिर बताएंगे इसके बाद कि इसमें क्या फॉल्ट था। तो आइए अब सामने की ओर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी एकदम क्लियर हो गया है, जो लाइनिंग आ रहा था हट गया है, देख सकते हैं। और इसका हाइट जो कि कम हो गया है, अब मिस्त्री जी इसका हाइट को कम करके दिखाएंगे। फैक्ट्री मोड खोल दिए हैं और ये रहा घूसे साइज में, वर्टिकल साइज में। और देखिए बढ़ा रहे हैं हाइट को, तो अभी पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो चलिए और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट था, क्योंकि फाइनल हो चुका है। तो इससे पहले टीवी को बंद करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि वो टिका है, जो आप लोगों का अल्ट्रा स्लिम किट है और नॉर्मल किट में क्या अंतर है। तो आज भी इसमें देख सकते हैं, जो कि चाइना का है और इसमें बूस्टर ज़्यादा लगे हुए हैं, देख सकते हैं, एक दो तीन चार ठो बूस्टर लगा है। साथ ही इसमें कॉयल लगे हैं, दो ठो देख सकते हैं, बड़ा बड़ा ये कॉयल और एक कॉयल, है ना। कॉयल और बूस्टर को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये अल्ट्रा स्लिम का किट है, ठीक है। और इसमें जो फॉल्ट था दोस्तों, दिखा दूँ, यहाँ पर जो रजिस्टर था देख सकते हैं, ये वाला रजिस्टर,
जो पूरी तरह से जल चुका है। और हम लोग इसके जगह में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो डाले हैं रजिस्टर, और ये वाला रजिस्टर देख सकते हैं आपके वर्टिकल सेक्शन के जो वर्टिकल ये क्वाइल का जो कनेक्शन रहता है दोनों उसके दोनों के बीच में लगा है, ठीक है। इसी की वजह से लाइनिंग आ रहा था। तो आपके ये टीवी में यदि कभी भी इस टाइप से फॉल्ट आए तो ये वाले रजिस्टर्स को एक बार चेक करके ज़रूर देखिएगा। और ये दोनों वर्टिकल के ये कॉयल वाले पिन से जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ से कनेक्शन आया है, वर्टिकल सेक्शन से निकला है, और दूसरा यहाँ से देख सकते हैं कैपेसिटर लग के जो यहाँ से गया है दूसरे में, और यहाँ बीच में रजिस्टर लगा है। इसी की वजह से इस टाइप से फॉल्ट आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये चाइना का लोकल किट है जो कि वेस्टर्न के नाम से आता है, और इसका जो है अल्ट्रा स्लिम का जो हीट सिंक लगा है ये देख सकते हैं, भले ही लोकल है लेकिन इसका हीट सिंक जो रहता है चालू हो गया है। और अभी सामने की ओर से एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, देख सकते हैं जो लाइनिंग था वो पूरी तरह से हट चुका है, एकदम क्लियर हो गया है, कोई लाइनिंग नहीं है। और चलिए कुछ इसके बारे में आप लोगों को टिप्स दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट था, जो रजिस्टर यहाँ से यहाँ लगा है इसका फॉल्ट था, और इस टाइप से फॉल्ट देखिए कैपेसिटर से फॉल्ट आता है तो चौड़ाई कम हो जाता है, और इस टाइप से फॉल्ट आप लोगों को बूस्टर की वजह से भी देखना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, बराबर वोल्टेज आना चाहिए, जितना वोल्ट यहाँ आ रहा है उतना ही वोल्ट यहाँ भी आना चाहिए, थोड़ा सा कम आता है। और ये वाला जो कनेक्शन है दोस्तों जो आईसी से निकला है, देख सकते हैं एक पिन डायरेक्ट आईसी से निकला है, और दूसरा पिन जो है आपका यहाँ से ग्राउंड से लेके ये वाले पिन से निकला है, देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा है 2200 UF 25 वोल्ट का, ठीक है। इसके जगह में आप 2200 UF 30 वोल्ट 35 वोल्ट भी लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो 4007 का भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये वाला जो कनेक्शन गया है दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ और वर्टिकल की योक कॉइल के दूसरे पिन में, ठीक है। और दूसरा पिन और पहला पिन में जो रजिस्टर लगा है वही वाला ख़राब था। और वर्टिकल सेक्शन में देखिए दोस्तों बहुत सा फॉल्ट आता है, जैसे कि आप लोग को चेक करना है, पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो आपका 3 से 4 वोल्ट आता है वो मेन आईसी से आता है, ठीक है। तो इसको क्लियर कीजिए 4 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आता है 3 वोल्ट, ठीक, एक इसके 1 वोल्ट कम होता है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका 12 वोल्ट सप्लाई निकलता है आप देख सकते हैं ये वाले पिन में 12 वोल्ट यही वाला सप्लाई यहाँ जाता है, ठीक, और यहाँ से जाके आपका रजिस्टर लगा के दूसरे वाले में आता है, ठीक है दोस्तों। तो और यदि मान लीजिए आपका सप्लाई यहाँ पे क्लियर आ गया 25 से 30 वोल्ट के बीच में, और यहाँ पे 25 से 30 वोल्ट के आसपास, और यहाँ पे आपका 4 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट, ठीक है, आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपका 12 वोल्ट निकलना चाहिए, 12 वोल्ट नहीं निकलता है तो आईसी ख़राब होगा, ठीक है, आईसी को चेंज कर दें, और 100% आईसी का ही फॉल्ट होता है। ये 3-4 वोल्ट है उसको क्लियर कीजिए, यदि नहीं आता है यहाँ पे 12 वोल्ट तो आईसी को चेंज कर दीजिए, आपका वर्टिकल फॉल्ट दूर ही हो जाएगा। और ये वाला जो है वो मेन आईसी से होके आया है, आप लोगों को ट्रैक को थोड़ा ध्यान से दिखा दूँ, ये देख सकते हैं इधर से साइड साइड गया है, और यहाँ से होते हुए ये देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से होते हुए आप देख सकते हैं मेन आईसी के इस पिन से निकला है। तो आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही, इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।